और जैसलमेर की खासियत यह है, जैसलमेर के फोर्ट की खासियत यह है कि फोर्ट के अंदर लोग रहते हैं। तो आगे का ब्रेक सडन दबाना और ये टर्न्स यहाँ पे कंट्रोल करना डिफिकल्ट लगता है। परमाणु की शूटिंग यहाँ पे हुई थी, परमाणु के कुछ शॉट्स मिड टाउन में निकाले थे। चल, गुड मॉर्निंग पीपल। तो आज शुरू हो रही है अगले दिन की जर्नी। अभी बज रहे 6:15, मैं फुल लोड हो चुका हूँ, मेरे अपनी बैग और अभी निकल रहा है। आई वॉज स्टेइंग हियर, बॉब हॉस्टल करके जगह का नाम है। चलो आज की राइड शुरू करते हैं, बाकी की चीज़ें मैं रोड पर आपको बताता हूँ। चलो गणपति बप्पा मोरिया प्लीज। यहाँ से 30 किलोमीटर, कल का भी उतना ही डिस्टेंस था उदयपुर से जोधपुर। तो मैंने सोचा कि इंटर स्टेट जो ट्रैवल, इंटर स्टेट में सर इनसाइड द स्टेट, इनसाइड द स्टेट इंटर स्टेट बोला तो दो स्टेट के इधर से हो गया। इनसाइड द स्टेट जो मैं ट्रैवल करने वाला है, तो ये देखो ये रहा था वो घंटाघर, अंदर जो मैं ट्रैवल करूँगा दैट आई कीप इन मीनिंग। ये मैंने फर्स्ट हॉल्ट लिया है चाय पीने के लिए, यहाँ से चाय पीएंगे। ये कोई चौक है, कलाऊ करके गांव का नाम है। और हमने 42,999 किलोमीटर कर लिए, मतलब 43,000 किलोमीटर एंड लॉट मोर टू गो नाउ। चलो चाय पीते हैं फिर आगे निकलते हैं। पानी वाली है तो पेट्रोल भरा ठीक है, यहाँ पे पेट्रोल महंगा है, 110 रुपये लीटर है यहाँ पे पेट्रोल। अरे गैस की सही तरह देख नहीं रहा भाई। यहाँ पे पेट्रोल है 110 रुपये लीटर। जो देखो कैसे खड़ी है ड्राइवर को, फाइनली डेजर्ट से गाड़ी लेते लेते जाते हैं तो आसर और सब उसको तारीख का होता है।
तो ये है जैसलमेर सिटी और ये रहा मेरा होटल, इट्स मिराना बुटीक होटल। इसको फोर्ट के जैसे बनाया हुआ है और वो सामने ऊपर रहा फोर्ट। तो मैं अभी हूँ जैसलमेर में और जैसलमेर की खासियत ये है, जैसलमेर के फोर्ट की खासियत ये है कि फोर्ट के अंदर लोग रहते हैं। तो मैंने अभी जस्ट उसके बारे में पढ़ा। तो ये ऐसा इकलौता फोर्ट है जहाँ पे लोग रहते हैं, शॉपिंग सेंटर्स है, होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, सब है। तो अभी चलते हैं, फोर्ट जस्ट बैक साइड है। ये रहा होटल, मैं आपको पूरे एंट्री से फोर्ट का पूरा व्यू दिखाता हूँ। हाउ द एंट्री ऑफ द फोर्ट स्टार्ट्स। तो ये देखो राइट साइड में, ये एकदम आउटर साइड वाला एंट्री है फोर्ट का। एंड देन जैसे हम यहाँ से निकलते हैं आगे, सो ये पूरा मार्केट है जो यहाँ से स्टार्ट होता है तो तक जाता है। मैं आपको पूरे फोर्ट का टूर कराता हूँ। सो ये है पूरा मार्केट, लोकल मार्केट, शॉपिंग मार्केट, सब 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 तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे। मैं अभी जस्ट यहाँ से एक राउंड मार चुका हूँ बट मैं कैमरा नहीं लाया था क्योंकि बोला क्या ही यहाँ पे देखने मिलेगा, बट दिस इज़ वॉच शोइंग। अभी ये रास्ता सीधा फोर्ट की तरफ जाता है ऊपर, पूरा फोर्ट सामने। फोर्ट की मेन एंट्री अभी आएगी आगे। एंड ओनली टू व्हीलर्स जाती है फोर्ट में एज पर माई अंडरस्टैंडिंग है, माई नॉलेज, क्योंकि रोड बहुत छोटा है। फोर व्हीलर्स भी दिख रही है फोर्ट में, आ जाती होगी, ये लिमिटेड लोगों के लिए ही अलाउड होगा। सो ये है फोर्ट की मेन एंट्री, ये दिख रहा है, दिस इज द एंट्री। और ये लेफ्ट और राइट पूरा फोर्ट है। मेजोरिटी नहीं बोल सकते बट जितना मैं पार्ट घूमा हूँ अभी फोर्ट का, तो बाइक पे घूम सकता हूँ मैं। सो ये फोर्ट के एंट्री से मैं अंदर आया एंड इट स्टार्ट्स। तो ये मल्टीपल गेट्स है, अभी एक एंट्री हो गई। और उसके बाद ये एक गेट हो गया, ये एक एंट्री हो गई, एंट्री या गेट जो भी बोल सकते हो। और ऐसे जाते जाते मल्टीपल गेट क्रॉस करके फोर्ट के अंदर पहुंच गया। ये फोर्ट का मेन एरिया, यहाँ पे कैफेज है, शॉपिंग मॉल्स है, सब कुछ है। और अभी यहाँ पे मैं आपको घुमाता हूँ फोर्ट के अंदर वाला भी एरिया। यू सी टेम्पल्स है फोर्ट के अंदर जिसे हम विजिट कर सकते हैं। देखो वो छोटी छोटी गलियों से मैं गाड़ी डाल सकता हूँ, ज़्यादा भी छोटी नहीं, कुछ कुछ जगह पे नहीं जाती है गाड़ी बड़ी है अपनी, बट जहाँ जहाँ जाती है वहाँ वहाँ घुमा के लाता हूँ आपको। लुक एट दिस, ये कुछ घर है, टेंपल है, पता नहीं, समझ में नहीं आता क्योंकि सबका आर्किटेक्चर सेम ही है। ये लोग रहते हैं यहाँ पे, सी लोग खेल रहे हैं, कपड़े सुखाए हैं,
गेस्ट हाउस गोस्टेल। फोर्ट में आने तक कुछ लगता नहीं है, लेकिन ये जो डाउन हिल वाला एरिया है ना, और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे टारमैक है, ये सब पत्थर है और शाइनी पत्थर दिख रहे हैं मुझे, तो पता नहीं इस पर ग्रिप कितनी अच्छी बन रही है। तो आगे का ब्रेक सडन दबाना और ये टर्न्स यहाँ पे कंट्रोल करना डिफिकल्ट लगता है, कि अगर गाड़ी स्कीड होगी तो बैलेंस नहीं होगी मेरे से। ये आ गया फोर्ट के बाहर, और फोर्ट की लाइटिंग क्या ब्यूटीफुल लग रही है, क्या ब्यूटीफुल लग रहा है फोर्ट। वो वहाँ भी देखते हैं ऊपर जाने का कहीं से रास्ते है क्या। ये है किले के साइड वाला एरिया, तो ये रही लेफ्ट साइड में किले की वॉल, और उसके अराउंड घूम रहा हूँ मैं, जस्ट लुकिंग फॉर सम प्लेस टू ईट, खाने के लिए कुछ जगह देख रहा हूँ, कुछ मिल जाए अच्छी खासी, कि मेन स्ट्रीम जगह इतनी कुछ भारी नहीं है। तो मिठाई की शॉप्स बहुत है, ये मिठाई के बहुत ही है, हलवाई। देखो फोर्ट का बैक साइड, सो आई एम चेकिंग दिस रेस्टोरेंट आउट, मिड टाउन रेस्टोरेंट, वो ऊपर वाला। यहाँ पे गाड़ी लगाई है और जाते हैं यहाँ पे, ऐसे नो पार्किंग तो कुछ दिख नहीं रहा, एवरीथिंग इज पार्किंग। ओके, तो इट सेज परमाणु की शूटिंग यहाँ पे हुई थी, परमाणु के कुछ शॉट्स मिड टाउन में निकाले थे। मैंने यहाँ पे इनकी थाली ऑर्डर की हुई है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, राइस है, कढ़ी है, मिक्स वेज सब्जी है, ये कोई दाल है, और ये क्या है पता नहीं ग्रीन कलर की, और तीन रोटियाँ हैं। ये रही थाली, और ये रहा सामने फोर्ट का व्यू। जैसलमेर में मिठाई की दुकान बहुत फेमस है, मेरे को बहुत सारी दिखी, तो ये है वन ऑफ इट। तो मैं यहाँ पे गुलाब जामुन लिया हूँ, और इनके पास बहुत सारी वैरायटी है। अभी गुलाब जाम खाता हूँ हेलमेट निकाल के, और एक डेजर्ट से मन तो भरेगा नहीं, तो ये रहा, और एक मूंग दाल का कुछ तो है, वो क्या बोले अभी आवाज़ नहीं आया, बट मूंग दाल का कुछ तो है, एक ट्राई करता हूँ। और ये कुछ अलग चीज़ है, दिस इज कॉल्ड एज गोंद की बर्फी, एक्चुअली जो मराठी में या महाराष्ट्र में बोलते हैं डिंकाचा लाडू, तो जो डिंक होता है उसकी बर्फी है ये। सो तीन चीज़ें खाई मैंने यहाँ पे, गुलाब जाम, मूंग दाल का कुछ तो हलवा या समथिंग कुछ था, और जो डिंक का नहीं था, तो उसका बेस खोबरे का था। सिर्फ गुलाब जाम थोड़ा मुझे मीठा लगा, बाकी दो चीज़ें मीठी नहीं थी,
और वो प्योर घी में बनी हुई चीज़ है। अच्छा था, पसंद आया मुझे। ऐसे लोकल मार्केट में खाओगे ना तो टेस्टी खाना मिलता है। तो मुझे मेन खाना था घेवर, बट घेवर नहीं है बोले, मतलब ये अभी नहीं मिलता है, दिवाली के बाद चालू होते, अब ठंडियाँ चालू होती है तब। अभी ऑलमोस्ट सब मार्केट बंद हो गया, तो जाते हैं रूम पे अभी।